एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कल हमने आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, जिससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था। तो कुछ क्वेश्चंस ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो चार क्वेश्चन लिए लिखे हुए हैं, देखने में बहुत टफ हैं, आ सकते हैं, आते भी हैं, और जितने टफ देखने में लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा आसान हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सेकेंड्स में हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसा हमने कल बताया था उस हिसाब से शॉर्ट ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़े टफ लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, जो बच्चे एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल डाइट का एग्ज़ाम या बीएड का दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को कम ही मिलेगा। ये डीएसएसबी लेवल में, एसएससी लेवल में, यहाँ पे आपको बड़े लेवल पर मिल जाएगा, चूँकि थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, आगे मिल जाएगा। इससे थोड़ा ईजी मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा। कल हमने आपको बताया था कि यदि दो नंबर प्लस में हो, बीच में माइनस का निशान हो और वही दोनों माइनस में हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है 4AB। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 142 है, ये 140 प्लस 2 है, 140 प्लस 2 का स्क्वायर, 140 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 4AB। तो यानी कि 4 × 140 × 2 और नीचे 140 × 2 मल्टीप्लाई में है, तो आंसर सही 4 रह गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। आप जो है इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऊपर उसमें मल्टीप्लाई में इस तरह से ब्रेक के साथ लगा के 2 भी दे दिया हो या 4 दे दिया हो, तो 4 से 4 भी कट जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीचे, बस आपको ये पहचानना है कि आखिर ये दो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका ये प्लस है और जिनका ये माइनस है। तो बड़ा इजीली दिख रहा है कि ये 250 प्लस 14 है और ये माइनस है, इनका स्क्वायर है, और ये है 250 माइनस 14 इसका स्क्वायर, यानी कि बेसिकली वही है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो वही सेम वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू आ गई 4AB। तो 4 × 250 × में बी है 14 और नीचे 125 × में 7 है, 125 से ये दो बार जा रहा है, इससे ये दो बार जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। यानी कि इस बार उसने ए बी ना देके नीचे ए बी का हाफ दिया हुआ है, और ये जो हाफ है वो ऊपर चला जाएगा और 4 के साथ दोनों मल्टीप्लाई के बाद आने के बाद आंसर 8 हो जाएगा। इस बार नीचे वैल्यू ए बी नहीं है, ए बी का हाफ है। अब जब उसके हाफ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वैल्यू जाहिर सी बात है डबल हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, ये भी कल बता चुके हैं, यदि ए प्लस बी का स्क्वायर और बीच में प्लस का निशान हो और ब्रैकेट में पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, दोनों का स्क्वायर हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो होगा 2 ( a² प्लस में b² और नीचे जो है a² प्लस में b² दिया हुआ है। भाई ऊपर क्या है 100 प्लस 6 और 100 माइनस 6 दोनों का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है, तो 2 ( a² + b² ये हो गया इसका फॉर्मूला। a² b² से a² b² कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ गया 2। यानी कि उसने और इजी करने के लिए नीचे आपको a² और प्लस में b² की वैल्यू नीचे दी हुई है, तो इसके साथ अगर नीचे 2 भी दे रखा होता तो पूरा पूरा ही डिवाइड होकर 1 आ जाता। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे, 106 × 106 तो ये है 100 प्लस 6, बीच में प्लस का निशान है, और 94 वो है 100 माइनस 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में और बीच में है प्लस का निशान। तो आपको कल बताया गया था, पिछली वीडियो में बताया था कि जब प्लस का निशान होगा बीच में तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 a² प्लस में b² और a और b जो है 100 और 6 हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो 2 और नीचे 100 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ नीचे 100 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर फॉर्मूले से आ रहा है, और ये सॉल्व करने के बाद आंसर रह जाएगा 2। अब ये देख लेंगे, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी सिंपल सिंपल दिया हुआ है, तो बीच में माइनस का निशान है, क्या होता है वैल्यू, वैल्यू होती है 4AB और नीचे जो है a और b मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, सीधा सा कट के 4 रह जाएगा आंसर। तो ये कल आपको बता दिया था हमने, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐसे हो जाएंगे, चैनल से जुड़े रहिए। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे हम, 264 क्या होगा, 250 प्लस 14 और ये होगा 250 माइनस 14, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 4 × a × b, ठीक है, और नीचे
दे रखा है 125 × 7, तो 4 ए की वैल्यू है 250, बी की वैल्यू है 14, नीचे है 125 × 7, तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर देते हैं। ये आएगा दो बार, ये भी जाएगा दो बार, तो 4 × 8, 8 × 2 = 16, आंसर इसका आ जाएगा 16। तो भाई मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आंसर आएगा 16, इसको सही कर लेंगे, 4 × 8 × 16। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह देख लेंगे।